दोस्तों आज हम एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम सब ने देखा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिरे हुए थे, जिससे बहुत सारी तबाही मची हुई थी, बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई थी। दोस्तों एटॉमिक बम है जो वो न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, इसमें 2 से 4, 4 से 16 बनते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे काम करता है, जिससे बहुत सारी हीट जनरेट होती है और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। हाइड्रोजन बम जो है वो 1000 times मोर शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, 1000 times मोर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, 1000 times मोर एक्सप्लोसिव प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इसलिए हाइड्रोजन बम मोर डेंजरस है एटॉमिक बम से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और